छाता में गत माह नेशनल हाईवे नंबर 2 पर स्थित संस्कृति यूनिवर्सिटी में एक छात्र का शव रेलवे लाइन पर मिलने की सूचना मिली थी। इस सूचना पर छात्र के साथ पढ़ने वाले बच्चों ने स्कूल प्रशासन और पुलिस प्रशासन से इस मामले में जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की थी, लेकिन उनके द्वारा कोई ठोस कदम न उठाए जाने के बाद कॉलेज के बच्चों ने एक राय होकर राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर दिया और कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस बात को गंभीरता से लेकर संस्कृति यूनिवर्सिटी ने 23 छात्रों को रिस्ट्रिकेट कर दिया और 200 के खिलाफ अज्ञात में मुकदमा दर्ज करा दिया। अब उन छात्रों को परीक्षा भी नहीं देने दिया जा रहा। आज छाता उपजिला अधिकारी वरुण कुमार पांडे की अनुपस्थिति में तहसीलदार नीरज शर्मा से मिलने आए छात्रों ने बताया कि अगर प्रशासन और कॉलेज हमारी बात नहीं सुनता और हमारी परीक्षा हमें नहीं देने दी जाती तो हम कॉलेज के सामने आत्महत्या करेंगे। इन सभी 23 छात्रों से कॉलेज 10,000 रुपए भी वसूल रहा है। 2 बच्चों ने अपने भविष्य की चिंता करते हुए पैसे दे भी दिए और उनको परीक्षा में बिठा लिया गया है। बाकी सभी छात्रों को भटकने के लिए राह पर छोड़ दिया गया है। रामनिवास, आप कहाँ के रहने वाले हो? सिरगढ़। किस विद्यालय में पढ़ते हैं? संस्कृत यूनिवर्सिटी। अच्छा, यहाँ क्या मामला है? आप सभी लोग इकट्ठे होकर यहाँ छाता तहसील में आए? यहाँ पर हम अपनी जो हमारी समस्या है, जो संस्कृति पर हंगामा हुआ था कुछ दिन पहले, हमारे दोस्त की मौत हुई थी, उसकी वजह से कॉलेज वालों ने 23 बच्चों के खिलाफ रिपोर्ट की थी। तो उसमें से कुछ बच्चों को पेपर दिलाया जा रहा पैसे लेकर, लेकिन हमने पैसे नहीं दिए क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं जो उनको पैसे दें। उस वजह से हम तहसील में आए सारे बच्चे इकट्ठे होकर। तहसीलदार से बात हुई है, उन्होंने बोला है कि हमें अगर एक भी बच्चा एग्ज़ाम देगा तो हम सारे बच्चे देंगे, किसी के साथ नाइंसाफ भी ना होगी। और उसी के बाद अभी SDM साहब आए नहीं है और देखता हूँ आगे क्या करते हैं वो। अच्छा, जैसे कि माना जाए कॉलेज प्रशासन ने 23 बच्चों के नाम FIR किए हैं, और आप कितने बच्चे हैं जो बाहर हैं? अब बाहर शायद 10 बच्चों को बाहर निकाल दिया गया परमानेंटली, और उनके पास कुछ प्रूफ नहीं है कि हम इनको किस वजह से निकाला गया है। अच्छा, क्या आपने तोड़फोड़ की थी? तोड़फोड़ किसी ने नहीं की जिनको निकाला गया है। अब कॉलेज प्रशासन से आपने बात की तो क्या कहता है कॉलेज? वो गेट से ही बाहर भगा देते हैं हमें कि हम तुमसे बात नहीं करनी, और तुम कोई हमको धमकी देते हैं तुम्हें वो करवा देंगे, अगर हमको अंदर नहीं ले गया तुम सुसाइड करेंगे कॉलेज के सामने। आपकी कॉलेज में कौन सी ईयर है? मेरी फर्स्ट ईयर है। फर्स्ट ईयर है। नाम क्या है आपका? आशीष। आशीष, आप किस विद्यालय में पढ़ते हैं? संस्कृत यूनिवर्सिटी में। अच्छा, आप सभी लोग इकट्ठे होकर आज तहसील छाता में आए हैं, क्या समस्या है आपकी? हमारे साथ इन्होंने नाइंसाफी की है, कुछ बच्चे जिन्होंने पैसे दे के अंदर लेके एग्जाम दिला रहे हैं, और कुछ बच्चे जो हमारे और संघ के हैं उनको बाहर निकाल दिया गया है, कुछ को 5 महीने के लिए सस्पेंड किया गया है और 10,000 रुपये जुर्माना लगाया गया है। अच्छा, किसने की है आपके साथ नाइंसाफी? ये संस्कृत यूनिवर्सिटी वालों ने। क्या कारण है जो बाहर निकाल दिया गया है? अभी कुछ दिन पहले 16/11/2018 को संस्कृत यूनिवर्सिटी के पीछे एक छात्र का शव पाया गया था, उसमें उसके कारण बच्चों ने उसके न्याय के लिए उन्होंने इंसाफ के लिए उन्होंने कुछ बातें की थी, तो बच्चों ने सारे ने मिलके वहां पर कुछ कॉलेज वालों से पहले बात भी की थी, फिर उन्होंने कॉलेज वालों ने कोई सुनवाई नहीं की, तो फिर बच्चों ने आगे कदम उठाने उन्होंने कुछ बोला तो उन्होंने बाहर जाने के लिए बोला कॉलेज वालों ने, तो बच्चों ने वहाँ पर आके उन्होंने सब जो किया है जो आपके सामने ही है। अब कॉलेज ने आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, किस मामले में आपका मुकदमा दर्ज कराया गया है? जो जिस कॉलेज वालों ने जो मुकदमा लगाया उसमें हम बिल्कुल भी नहीं हैं। कॉलेज वालों ने छेड़छाड़ी में और तोड़फोड़ में रोड जाम में जो लगाया है हम उसमें किसी में भी नहीं है। अगर कॉलेज वाले सबूत के तौर पर देखते हैं तो हम सारे बच्चे सेफ हैं। क्या तुम्हारा? गौरव। गौरव, कहाँ के रहने वाले हो आप? सर, कोसी। अच्छा, किस विद्यालय में पढ़ते हो आप? संस्कृति यूनिवर्सिटी। अभी आप छाता तहसील में आए हो, क्या समस्या है तुम्हारी? सर, कुछ दिन पहले सर एक बच्चे की डेड बॉडी पाई थी कॉलेज के पीछे, तो उसमें उसको लेकर बच्चों ने कुछ हंगामा किया था, तो उसमें कुछ बच्चों का नाम जात हुआ था, मतलब नाम आया था, तो उसमें से अब ये हो रहा है कॉलेज वालों ने कुछ बच्चों से पैसे वगैरह लेके उनका नाम निकाल दिया, उनको पेपर दिए जा रहे हैं और हम ऐसे छोड़ दिए, हमसे कोई पेपर वगैरह कुछ भी नहीं, और हमसे भी पैसों की मांग की पर हम पैसे नहीं दे सकते, मतलब है नहीं, हम पे गरीब आदमी हम। अच्छा, अभी आप छाता तहसील में तहसीलदार साहब या SDM साहब किससे मिले हैं, उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? हम सर तहसीलदार से मिले थे, उन्होंने FIR की एक फोटोकॉपी मांगी थी, और जो बच्चा था जो मतलब पैसे दे के पेपर दे रहा है वो भी बुलाया गया था, उसने बोल दिया तहसीलदार के सामने, तो अब तहसीलदार बोल रहे हैं अगर कोई एक बच्चा पेपर देगा तो तुम सब पेपर दोगे।
अच्छा, कितने बच्चों के नाम FIR हुई थी? शायद 23 बच्चों के नाम FIR हुई थी। और कितने लोगों को बाहर निकाल दिया गया कॉलेज से? शायद 10 बच्चों को बाहर निकाल दिया गया है। बाकी के बच्चों का क्या किया जा रहा है? चार बच्चे तो पैसे दे के पेपर दे रहे हैं और बाकी के ऐसे ही उनकी साल खराब की जा रही है, 5 महीने के लिए स्टेट कर दिया। अच्छा, मान लीजिए आपकी फिर भी समस्या का समाधान नहीं होता है, कॉलेज प्रशासन नहीं मानता है, तो आप क्या कदम उठाएंगे? सर, तो हमारे साथ इन्होंने कैरियर बर्बाद कर दिया, तो सर हम कुछ भी कर सकते हैं सर, सुसाइड वगैरह कुछ भी कर सकते हैं।